मध्य प्रदेश की खंडवा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह को पकड़ लिया है। जानकारी के हिसाब से बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित होकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था यह गिरोह। पुलिस ने इससे लाखों का सोना और कई नकदी और दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से 1 किलो 525 ग्राम सोना बरामद होने के साथ आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्राइम ब्रांच के 2 फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि खंडवा रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस ट्रेन के A1 कोच से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन शातिर अपराधियों ने कई राज्यों में बड़े व्यापारियों को CBI अफसर बनकर लूटने का खेल खेला है, लाखों रुपए कमाए हैं और इनकी लाइफस्टाइल भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। इनका प्लेन में घूमना, कभी ऐसी ट्रेन में घूमना, अपने आप के लाइफस्टाइल को ऐसा ढाल रखा था कि कभी भी किसी अधिकारी से कम नहीं लगते थे। लेकिन खंडवा पुलिस का सूचना तंत्र इन अपराधियों से काफी मजबूत था। मुखबिर की सूचना पर खंडवा पुलिस ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर इन्हें धर दबोचा। फिल्मी स्टाइल में CBI पुलिस प्रेस एवं सुनार बनकर करते थे वारदातें। इनको पकड़कर इन्होंने कई राज्यों और कई जिलों में अपना आतंक मचाया हुआ था। इन्हें पकड़कर खंडवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने बताया कि आरोपी क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन समूचे देश में घूम घूम कर व्यापारियों को अपना निशाना बनाते थे। हाल ही में इन्होंने गोवा के व्यापारी को निशाना बनाया था। आरोपी क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर समूचे देश के अलग अलग हिस्से में व्यापारियों को टारगेट बनाकर अवैध वसूली करते थे। इनसे जब्त सोने का मूल्य 80 लाख रुपए बताया जा रहा है। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।